मलदीप वो जो मिट गया बता। जय हिंद साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसे शहीद की कहानी लाया हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी या आपको एक इतनी बड़ी सीख दे जाएगी कि डर नाम की कोई भी चीज इस दुनिया में होती नहीं है। तो बच्चों, मैं बात कर रहा हूं आपके पीछे लगी ये फोटो शहीद कर्नल धर्मवीर सिंह जी की। यह वही धर्मवीर सिंह जी हैं जिन्होंने 1971 में हजारों पाकिस्तानी सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए थे। वो मजबूर हो गए थे लोहे के चने चबाने पर। ये कर्नल धर्मवीर सिंह जी एक ऐसी शख्सियत थे, या हम कह सकते हैं कि एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने 1971 के युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कहते ना कि हम फौजी हैं, हम फौलादी हैं, कुछ उसी का उदाहरण कर्नल धर्मवीर सिंह जी है। कर्नल धर्मवीर सिंह जी का जन्म 1910 में, 10 जुलाई 1910 में एक हरियाणा के छोटे से गांव में हुआ था। शुरू से ये पढ़ने में बड़े प्रतिभावान थे और देश सेवा के लिए शुरू से ही इनमें एक जुनून था, एक जज्बा था। प्यारे साथियों, 1971 की यह घटना, 3 दिसंबर लगभग रात के 12 बजे बज रहे थे, पाकिस्तानी सेना ने इनकी चेक पोस्ट पर हमला कर दिया। हजारों सैनिकों के साथ में पाकिस्तानी सैनिक भारत की तरफ बढ़ने लगे। ये सिर्फ 20, महज 20 सैनिक थे। कहते ना कि एक ऐसी स्थिति जहां पर निर्णय लेना भी बड़ा कठिन था, क्योंकि रात के 12 बज रहे थे, वायुसेना भी नहीं आ सकती थी। हम 20 और वो हजारों की संख्या में, अनगिनत। लेकिन भारत का सैनिक कभी भी ना पीछे हटा था, ना हटा था, ना हटेगा और ना हटता है। क्योंकि वर्दी जिसके शरीर पर पहुंच जाती है वो अपने आप में एक योद्धा हो जाता है। जैसे ही उनको पता चला कि पाकिस्तानी सेना एक बड़ी संख्या में भारत की तरफ बढ़ रही है और ये सिर्फ महज 20 लोग, तो ये अपने अधिकारी से संपर्क करते हैं और कहते हैं कि सर, हमें मदद चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ 20 हैं और पाकिस्तानी सेना ने रात में धोखे से अटैक कर दिया। तो ऑफिसर के सामने भी कोई भी ऑप्शन नहीं था। उन्होंने कहा कि आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप वापस चले आए या सुबह तक का इंतजार करें। लेकिन यहां धर्मवीर सिंह जी एक इतने बड़े योद्धा के रूप में, जो पूरी उन टीम को लीड कर रहे थे, उन्होंने उस टीम से कहा और पूछा कि मैं एक ऐसी असमंजस की स्थिति में हूं, लेकिन मेरे मन में, मेरे दिल में कोई भी डर नहीं है। हजारों सैनिकों ने, पाकिस्तान के हजारों सैनिकों ने हम पर हमला बोल दिया है, आप लोग चाहे तो वापस जा सकते हैं, लेकिन मैं अकेले यहां लड़ के शहीद हो जाऊंगा, लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। और भारत का के सैनिक कहते हैं ना कि 100 के बराबर होता है। तो उन सैनिकों ने कहा कि सर, हमें भी गर्व होगा अगर हम हमारी प्राण भारत माता के लिए जाते हैं। उस जगह से धर्मवीर सिंह जी के मन में एक विश्वास आया और उन्होंने कहा कि हम सुबह होने का इंतजार भी करेंगे और इन सैनिकों से युद्ध लड़ेंगे।
ये पाकिस्तानी सैनिक हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और 3 दिसंबर की वो रात जब पाकिस्तानी सैनिकों ने 65 टैंकों के साथ जैसलमेर स्थित लोंगेवाला पोस्ट पर हमला कर दिया, इन्होंने रणनीति बनाई और रात भर उनसे युद्ध किया। पाकिस्तानी सैनिक असमंजस में पड़ गए, इस चक्कर में पड़ गए कि ये 20 है या 20,000 है। कहते ना कि जब दिल में जुनून हो, जोश हो अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने का, तो संख्या मायने नहीं रखती। युद्ध के लिए संख्या मायने नहीं रखती है, युद्ध के लिए साहस मायने रखता है। और यह भारतीय सेना बखूबी जानती है। कहते हैं जब पाकिस्तानी सेना इतनी कंफ्यूज हो गई कि ये 20 नहीं है, हमें किसी ने गलत खबर दे दी, ये तो 20,000 लग रहे हैं, रात भर उन सैनिकों को उलझाए रखा। और जैसे ही सुबह होती है, भारत की वायुसेना उन पर हमला बोल देती है और युद्ध जीत जाते हैं। प्यारे साथियों, यहां से सीखने वाली बात इतनी सी है कि बड़े बड़े लोग मौत के सामने घुटने टेक देते हैं। उनके पास एक ऑप्शन था, उनके पास एक विकल्प था, वापस जाने का, वापस लौटने का, लेकिन उनको अपनी जान से ज्यादा भारत माता से प्यार था। फौजी ऐसे ही नहीं फौलादी होता है, फौजी को ऐसे ही नहीं जवान कहा जाता है। इस देश के असली नायक और असली हीरो इस देश के सैनिक हैं। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आप लोग सेना में भर्ती होने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और यह बात बिल्कुल सही है, एक सैनिक के लिए उसका देश पहले और बाकी चीजें बाद में होती हैं। वो निडर होता है। कहते ना कि ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, यह शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। यह तिरंगा लहराने का जो सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है, ये कर्नल साहब जैसे लोगों की वजह से प्राप्त हुआ है। हम गर्व से कहते हैं कि हमने बड़े बड़े युद्ध जीत लिए, क्योंकि हमारे पास एक ऐसी सेना थी और ऐसी सेना है जो दुश्मनों के छक्के छुड़ा देती है। तो जीवन में यदि हमारे पास साहस है तो हम आगे बढ़ जाते हैं। और आपने एक मूवी भी देखी होगी मेरे बच्चों, फिल्म बॉर्डर। बॉर्डर फिल्म में अक्षय खन्ना ने इनका रोल अदा किया है। अक्षय खन्ना ने बॉर्डर फिल्म में इनका रोल अदा किया है। खैर, उसमें इनको शहीद दिखाया गया है, लेकिन इनकी मृत्यु 16 मई 2022 को हुई थी। इनसे कई लोगों ने कहा कि इस फिल्म में यह तो घटना गलत दिखा दी गई। तो कर्नल साहब का जवाब था कि हम फौजी हैं, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो देश पहले बाकी चीजें बाद में। अगर भले ही दुश्मन कितनी भी बड़ी संख्या में क्यों ना हो, अगर हमारे अंदर विश्वास है, हमारे अंदर धैर्य है और हमारे अंदर जुनून है, तो मैं कहता हूं बड़े से बड़े युद्ध जीते जा सकते हैं। यह 3 दिसंबर की रात, 3 दिसंबर 1971 की यह रात इतिहास के पन्नों में अमर हो गई। और कर्नल धर्मवीर सिंह जी भले ही आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक इतिहास के पन्नों में उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाएगा। सिर्फ देश का सैनिक और खिलाड़ी ही ऐसा होता है जिसको किसी दूसरे देश में भी जाकर तिरंगा फहराने का सौभाग्य प्राप्त होता है। फौजी मतलब फौलादी,
अपने सारे इमोशंस, सारी फीलिंग्स को एक तरफ रखना पड़ता है। तो ये धर्मवीर सिंह जी एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया। आज इन्हीं की वजह से, इन सैनिकों की वजह से हम अपने घरों में सुरक्षित सो पा रहे हैं, क्योंकि ये सीमा पर देश सेवा कर रहे हैं। इनके लिए देश प्रेम सब कुछ है, इनके लिए देश सेवा सब कुछ है। चाहे तापमान ज्यादा हो चाहे कम हो, ये अपनी ड्यूटी के प्रति हमेशा अडिग रहते हैं, हमेशा फेथफुल रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, ये धर्मवीर सिंह जी जो हरियाणा के छोटे से गांव में जिनका जन्म हुआ, सेना में भर्ती हुए, एक जिम्मेदारी भी निभाई, 1971 के युद्ध में 20 सैनिकों के साथ पूरी पाकिस्तानी सेना को लोहे के चने चबा दिए, क्योंकि इनके अंदर देश प्रेम था, देशभक्ति की भावना थी। और हर व्यक्ति के अंदर देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसदार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो प्यारे बच्चों, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कर्नल धर्मवीर सिंह जी की ये कहानी आपको कितनी अच्छी लगी। ऐसे ही नई कहानियों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, जिससे कि आप और लोगों के बारे में, ऐसे कई शहीदों के बारे में जान पाए जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण भी न्योछावर किए और अपने प्राणों को दांव पर भी लगाया। तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।